गर्ल्स, मैं आज आपको फैशन रिवॉल्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। ये क्लास 12th का टॉपिक है, फैशन रिवॉल्यूशन यानी फैशन का विकास। डेफिनेशन में देखिए, फैशन चक्र को उन चरणों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें कोई फैशन आता है और बदल जाता है। फैशन चक्र में उन चरणों को बताते हैं, यानी कि उन स्टेजेस को बता के को परिभाषित करते हैं जिनमें कोई फैशन आता है और बदल जाता है। कोई भी फैशन आता है और बदल जाता है। सपोज करो, बीच में आपने देखा था एक बार ही 90s में और 2000 के 99 2000 के एरा में आपका जो फैशन ये चला था कि आपकी शॉर्ट कुर्ता विद प्लाजोज चले थे या पैंट्स पैलर्स चले थे, तो वो जो था वो एकदम से आया और फिर आउट हो गया। तो वो एक तरीके से फैशन इंट्रोड्यूस हुआ, वो कैसे प्रसिद्धि मिली उसको और फिर वो कैसे जो है आउट हो गया, वो कहते हैं फैशन एवोल्यूशन। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, ठीक है। तो फैशन कोई भी आता है वो कितने स्टेजेस से जाता है? 5 स्टेजेस से जाता है। पहला है आपका शैली की प्रस्तुति, दूसरा है लोकप्रियता में वृद्धि, तीसरा है आपका लोकप्रियता की प्रकाशता और चौथा है आपकी लोकप्रियता में कमी होना, शैली का परित्याग अथवा प्रचलन। शैली की प्रस्तुति यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल। जो फैशन डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो कई रेखाओं, रंग और आकार, इसको मैं लिख देती हूँ, रेखाओं, रंग, आकार, इनका आपस में सामंजस्य बिठाकर कोई भी जो है वस्त्र की प्रकृति और अन्य विवरणों को सामंजस्य बिठाते हैं और डिज़ाइन या शैली बनाते हैं और उसकी प्रस्तुति करते हैं, उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। वो नए स्टाइल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल। नेक्स्ट है आपका लोकप्रियता में वृद्धि यानी इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। जब स्टाइल इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, जब वो इंट्रोड्यूस होता है स्टाइल, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको लोग जब खरीदते हैं, और उसके अलावा पहना, देखा, लोग जो है उसको खरीदते हैं, पहना और देखा जाता है, उसे फैशन फैशन तथा शैली की लोकप्रियता जो होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं यानी कि लोकप्रियता में वृद्धि, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। पहला वाला जो है आपकी शैली की प्रस्तुति यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल, शैली यानी कि स्टाइल की इंट्रोडक्शन करना, लोकप्रियता में वृद्धि, इंक्रीज यानी कि लोग उसको खरीदते हैं, पहनते हैं और उसको देखते हैं। जो भी स्टाइल किसी भी फैशन डिज़ाइनर, काफ़ी सारे फैशन डिज़ाइनर्स ने इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट है आपकी लोकप्रियता की प्रकाशता। लोकप्रियता की प्रकाशता क्या होती है कि जब कोई फैशन लोकप्रियता के शिखर पर होता है, पीक यानी कि पीक के जैसे आप होते हैं ना, ये टॉप हो गई, इसको क्या कहते हैं, पीक, मैं आपको बता रही हूँ। तो वैसे ही जब कोई भी फैशन एक पीक पर आ जाता है, बिल्कुल टॉप पोस्ट पे आ जाता है, उसे इतनी मांग इतनी अधिक हो जाती है कि बहुत निर्भरता उसकी नकल करते हैं या विभिन्न मूल्य स्तरों पर उसका रूपांतरण या उत्पादन कर की शुरुआत कर देते हैं, तो उसको कहते हैं पीक ऑफ पॉपुलैरिटी। यानी कि कोई भी फैशन बहुत पॉपुलर होता है, सब लोग उसको खरीदते हैं या उसकी मांग बहुत बढ़ जाती है या फिर उसकी जो होती है नकल आ जाती है मार्केट में, ठीक है, उसको इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, उसका कॉपी बनानी शुरू कर देते हैं। सपोज करो सभ्यसाची ने कोई नया इंट्रोड्यूस किया, वो काफ़ी 1-1.5 महीने तक चलता रहा, फिर जो है पहले डिज़ाइनर्स जो कपड़े होते हैं वो कोई भी सेलिब्रिटीज़ पहनती है, फिर सेलिब्रिटीज़ की कॉपी करके लोग उसको पहनना शुरू कर देते हैं। अगर आप करोल बाग साइड जाओ तो वहाँ पे ऐसी कई सारी शॉप्स हैं, चांदनी चौक में ऐसी कई सारी शॉप्स हैं जो कहते हैं हम जो है सभ्यसाची का लहंगा जो है वो जो है बना रहे हैं या वैसा सेल कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं लोकप्रियता की प्रकाश यानी कि पीक ऑफ पॉपुलैरिटी। नेक्स्ट है आता है लोकप्रियता में कमी होना। जब लोकप्रियता, कोई भी फैशन जब आता है, इंट्रोड्यूस होता है, उसकी लोकप्रियता में वृद्धि होती है और लोकप्रियता की प्रकाशता हो जाती है, उसके बाद की जो स्टेज आती है कि डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है कोई भी आपकी स्टाइल का, तो उसको कहते हैं लोकप्रियता में कमी होना। लोकप्रियता में कमी होने में क्या होता है, जब किसी प्रचलित
फैशन या शैली के परिधानों की विभिन्न निर्माताओं द्वारा भारी संख्या में उत्पादन या विक्रय हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो फैशन जो होते हैं प्रिय व्यक्ति उस शैली के प्रिय शैली में उब जाता है और कुछ नया देखना शुरू कर देता है। इससे उस फैशन की लोकप्रियता तथा मांग घटने लगती है, जिसके कारण दुकानदारों को उस फैशन की सामग्री की कम कीमत पर बेचने लगते हैं। सपोज करो लहंगे जो है सभ्यसाची ने बनाए, यहाँ पर लोगों ने उसको कॉपी करके काफ़ी ने खरीदा और वो इतने लोगों ने, इतनी ब्राइड्स ने या इतने लोगों ने पहन लिया कि अब वैसे जो है लहंगे की लोग कम खरीदते हैं या उसको कहते हैं कुछ और नई चीज़ लो, तो लेकिन इस स्टेज पे आके वो डिक्लाइन पे आना शुरू हो जाता है, यानी कि गिरना शुरू हो जाता है वो फैशन। ठीक है, डिक्लाइन यानी कि गिरना, लोकप्रियता में कमी आ जाती है और नए की इंट्रोडक्शन की लोग मांग करने शुरू होते हैं। नेक्स्ट है शैली का परित्याग अथवा ऑब्सोलेट हो जाना, बिल्कुल ही बंद हो जाना। फैशन चक्र में अंतिम पड़ाव पे क्या होता है, फैशन की सामग्री मांग व बिक्री लगभग खत्म हो जाती है, तो उसको कहते हैं आपका शैली का परित्याग। मतलब कि कोई भी जो डिज़ाइन है यहाँ पे नए ढूंढते हैं और एक टाइम आया कि वहाँ पे जो है बिल्कुल बंद कर दिया लोगों ने पहनना, तो उसको कहते हैं शैली का परित्याग अथवा प्रचलन। तो ये 5 स्टेजेस हैं आपकी। पहली है आपकी शैली की प्रस्तुति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आता है क्योंकि हम लोगों ने ये आपका MSc में पढ़ा था, तो ये उस वक्त जो है इस पे क्वेश्चन आते थे। ठीक है, पहला फिर दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, शैली की प्रस्तुति, इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल, लोकप्रियता में वृद्धि, इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, लोकप्रिय की तरफ प्रकाशता, चौथा है आपको लोकप्रियता में कमी होना, नेक्स्ट है आपकी शैली की परित्याग अथवा प्रचलन। ठीक है, ये आपके 5 हैं। आपको इसी साइकिल फॉर्म में जो है इसको बनाना है अपनी कॉपी में, और उसके अलावा इसको पॉइंट वाइज ही एक्सप्लेन करना है। आपकी बुक में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, मैंने आपकी बुक में से पढ़ के एक एक वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जो वर्ड्स थे वो भी मैंने आपको साइड बाय साइड समझा दिए। आपको इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है, डेफिनेशन भी इसकी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,